हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ अपनी बाइक या स्कूटी की जो बैटरी होती है उसे कैसे चेंज करें और कैसे पता लगाएं कि आपकी मतलब गाड़ी में बैटरी ख़राब है या और भी कोई दिक्कत है। अभी क्या हो रहा था, कुछ दिनों से मतलब मेरी गाड़ी में सेल्फ नहीं लग रहा था, मतलब सेल्फ ऑन नहीं हो रहा था, मतलब बैटरी डाउन का इशू लग रहा है मुझे। और अपन हर चीज़ चेक करेंगे, बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है या बैटरी ख़राब है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या चेंज करना है। और आगे आप देखो और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हो ये अपन ने पिलियन सीट ओपन कर ली है अपनी बाइक की। और यहाँ पे देख सकते हो दो नाइट है और ये दोनों नाइट है, कितने नंबर के, 10 नंबर के। तो इसको अपन 10 नंबर के रिंग स्पैनर से खोलेंगे, उसके बाद ये सीट ओपन करेंगे। इस सीट के नीचे है इस बाइक की बैटरी, यहाँ से अपन बैटरी चेक करेंगे और बैटरी में सही प्रॉपर करंट आ रहा नहीं आ रहा वो भी चेक करेंगे। और उसके बाद अगर बैटरी ख़राब है तो अपन बैटरी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है गाइस। और देख लेंगे चार्जिंग सही से हो रही है बैटरी या नहीं हो रही, क्योंकि गाड़ी का जो सेल्फ है, गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी और इस बाइक में किक है नहीं। तो फिर अगर सेल्फ खराब, मतलब अगर बैटरी ख़राब है या सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो आपको गाड़ी को धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें किक आती नहीं है, मतलब आजकल बहुत सी बाइकों में नहीं आती है। तो करते अपन इसको अब चेंज, मतलब और चेक करते क्या दिक्कत है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास जो भी बाइक है सब में अलग अलग जगह रहती है बैटरी, किसी में सीट के नीचे होती है, किसी में ये साइड पैनलों में होती है, या किसी में कुछ कुछ बाइक में टैंक के नीचे भी होती है, और कुछ स्कूटियों में ज़्यादातर देखा होगा आपने, स्कूटियों में ज़्यादातर सामने होती है, फ्रंट साइड में जो स्कूटी की फेयरिंग होती है उसमें होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपकी गाड़ी में कहाँ पर बैटरी है, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ये पूरे नट वोल्ट खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइज़ आप देख सकते हो ये है अपनी बैटरी, और इसमें जो बैटरी लगी है वो है एमरॉन कंपनी की, और ये 2019 में डली थी, मतलब इसमें डलवाई थी। और ये चली कितनी है अभी, 21 में ख़राब हो गई है, और अभी हुई है ख़राब अक्टूबर में। तो आप देख सकते हो कितनी साल चली है ये। और अब जो मैं बैटरी इसमें जो नई लगाने वाला हूँ वो इस बार एमरॉन की नहीं लगवाऊंगा मैं, और इस बार जो भी बैटरी लगाऊंगा मैं वो एक्साइड कंपनी की लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये अभी मैं, देखो आप, ये मैंने इसको खोल लिया पर अभी वायर लगे हुए हैं। अब मैं जैसे सेल्फ मारूंगा देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा गाड़ी में, और देख सकते हो आप कैसे हो रही है। और अगर मैं हॉर्न बजाता हूँ तो ये सब बंद, ठीक है गाइस। तो अपने पास अब दूसरी बैटरी है, उस बैटरी को अपन इसमें लगाते हैं और आपको बताते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ बैटरी ख़राब कैसे चेक करें, बैटरी ख़राब है और जो नई बैटरी उसे भी कैसे चेक करें सही है या नहीं है, और ये बैटरी में कितना करंट आ रहा है ये सब मैं आपको चेक करके अभी बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो अपने पास दो बैटरी है, एक है एमरॉन की और अभी जो मैंने न्यू बाय की है, मतलब न्यू परचेज की है, एक्साइड की है, और सेम है बैटरी बस ये एमरॉन कंपनी की, एक्साइड कंपनी की है। इसका जो करंट है, मतलब जो इस बाइकों में चलता है करंट, वो ये चलता है 12 वोल्ट 8 एम्पियर, ठीक है। और इसका भी सेम है, दोनों सेम है, बस कंपनी अलग अलग है। इसका मॉडल नंबर है APBT Z9R और इसका है एक्साइड का XLT Z9, ठीक है। ये जो बैटरी है दोनों, ये अपनी KTM Duke और RS AS NS और जो दूसरी बाइक फोन में लगती है। तो गाइस अब अपन चेक करते हैं कि बैटरी में क्या प्रॉब्लम है, बैटरी ख़राब है या गाड़ी में कुछ फॉल्ट है, दोनों चीज़ अपन चेक करेंगे। तो अपने को उसके लिए लगेगा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर ये है अपने पास में, आप देख सकते हो। तो ये अपना मल्टीमीटर है, इसको अपन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको यहाँ पर अपन सेट करेंगे 20 लिखा है यहाँ पे, मतलब 20 पे इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि जो बैटरी का करंट है वो 12 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट से ऊपर होता या 20 वोल्ट से ऊपर होता तो अपन ये 200 पे सेलेक्ट करते हैं। तो अभी अपन ने इसको 20 पे किया हुआ है,
और इसके बाद में अपन चेक करते हैं। और इधर साइड डीसी होता है, मतलब सॉरी डीसी कह रहा हूँ कि डीसी है बैटरी, इसलिए इधर 20 पे किया है। और ये 12 वोल्ट से ऊपर की है नहीं, तो अपन इसको 20 पे सिलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट से अपन चेक करेंगे, ठीक है भाई? आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट से चेक करें। तो सबसे पहले अपन एमरॉन की बैटरी चेक करेंगे, उसमें कितना करेंट आ रहा है। फिर उसके बाद अपन जो अभी नई बैटरी एक्साइड की उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है, सॉरी वायर मैंने गलत साइड लगा दिया। आपको ये देखना है ये रेड वाला ये प्लस का होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आती है, बट करंट चेक तो हो जाता, लेकिन अगर अच्छे से लगाओगे तो सही रहेगा। एक मिनट जरा। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो ये बैटरी करंट बता रही है, आपको दिख रहा होगा एमरॉन की जो पहले लगी थी बाइक में, कितना बता रही है 9.66, 67, 68, मतलब ये 12 वोल्ट प्रॉपर करंट इसमें आ नहीं रहा है। अगर 12 वोल्ट करंट प्रॉपर नहीं आएगा तो गाड़ी अपनी स्टार्ट नहीं होगी। आप कितना कुछ भी कर लो फिर वो धक्के से स्टार्ट होगी अगर जिस बाइक में किक नहीं है, ठीक है? तो ये बैटरी में प्रॉब्लम है, या ये हो सकता है चार्जर में अगर प्रॉब्लम होगी तो बैटरी चार्ज नहीं कर रहा होगा वो, तो अपन वो भी चेक करेंगे नई बैटरी लगा के। अब अपन ये बैटरी चेक करते हैं जो अभी नई मंगाई है अपन ने एक्साइड की, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ इसमें से, ठीक है? तो इसमें भी गाइस माइनस में माइनस, मतलब अपना वो रहता है, तो गाइस आप देख रहे हो ये 13.37 बता रही है, तो मतलब ये जो बैटरी है फुल चार्ज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो आप देख सकते हो करंट एक जगह रुका हुआ है, और उसमें करंट जो है बाइक मतलब बैटरी का वो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो 12 वोल्ट से लेके 13 पॉइंट तक रहती है बैटरी चार्ज, मतलब थोड़ी ऊपर ही रहती है अगर बैटरी सही रहती है तो ये 13.37 है, मतलब बैटरी फुल चार्ज है। ये अभी बाइक में लगी थी, ये वीडियो में बाद में बना रहा हूँ, बाकी बैटरी बहुत पहले ख़राब हो गई थी, लेकिन वीडियो में अभी बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये बैटरी सही है। अब अपन इस बैटरी को उसमें इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद गाड़ी में अपन करंट चेक करेंगे क्या बैटरी सही से चार्ज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है गाइस? तो मैं अब बैटरी लगाता हूँ उसमें, ठीक है? हाँ तो गाइस इसमें अपन जो नई बैटरी वो अपन अब इसमें इंस्टॉल करते हैं, मतलब इसमें लगाते हैं। तो जो अपन इस बार बैटरी लगा रहे हैं वो एक्साइड की है, तो मैं अभी इसको इसमें इंस्टॉल करता हूँ। तो ये रही बैटरी, और दिखाता हूँ मैं फिर। उसके बाद एक मिनट आप रुक जाइए। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये लग गई बैटरी, ठीक है? और ये इसका वो रबर है जिससे बैटरी लॉक हो जाती है, बट ये साइड टूट चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है प्लस, मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे ये रेड वाला वायर लगेगा, और ये माइनस, एक मिनट फोकस कर लेता हूँ, ये है माइनस, तो यहाँ पे ये वाला वायर लगेगा, ठीक है? उसके बाद अपन बैटरी चेक करेंगे, बैटरी में मतलब बैटरी सही से चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चीज़ चेक करना ज़रूरी है बाइक में, क्योंकि तो बहुत बार ऐसा होता है बैटरी ख़राब नहीं होती है, पर फिर भी इस बाइक में तो बैटरी ख़राब है मुझे मालूम है, बट फिर भी बहुत बार ऐसा केसेस आया होते हैं कि जिसमें बैटरी ख़राब नहीं रहती, चार्जिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब गाड़ी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाती है, ठीक है? तो मैं अभी इसमें फटाफट से नेट टाइट करके पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद अपन इसमें करंट चेक करेंगे क्या बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? बैटरी का जो अभी करंट आ रहा है वो 13 पॉइंट कुछ ऊपर, मतलब 12 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, ठीक है? और जब अपन गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो जो करंट है वो कभी भी मतलब बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर वो बढ़ेगा तो मतलब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, मतलब बैटरी चार्ज हो रही, ठीक है? और वो सब चीज़ें चेक होती है मल्टीमीटर से। तो अगर आपके गाड़ी में अगर ऐसे बैटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या वायरिंग से रिलेटेड, तो आप मल्टीमीटर ले लो, उससे एक एक वायरिंग आप चेक कर सकते हो कहाँ कितना करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। और भी बहुत सी चीज़ों में मल्टीमीटर काम में आता है करंट वायरिंग चेक करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है? तो मैं अभी ये वायर पूरे इंस्टॉल करता हूँ, मतलब इसमें नट इसमें लगा के टाइट करता हूँ, फिर आपके उसके बाद बाइक स्टार्ट करके चेक कराता हूँ, ठीक है?
हाँ तो गाइस ये हो गया पूरे नाइट बोल्ट टाइट। ठीक है गाइस, कल भी ध्यान रखें, अगर आप जब भी बैटरी बदलें और अगर नई बैटरी लगाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव वायर लगाना है। ठीक है, ये नेगेटिव बाद में लगाना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग ये पहले लगा देते वायर, क्योंकि इसमें करंट होता नहीं। लेकिन इसमें गाड़ी मतलब जो ये वायर होता है ब्लैक वाला, नेगेटिव बोलते हैं इसको, ये पूरे बॉडी में इससे अर्थ होता है। अगर आप यहाँ कहीं टच कर दोगे ना ये वायर को, यहाँ यहाँ से लगा के इधर गए तो स्पार्किंग हो गई। तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आप पॉजिटिव वायर लगाएं बैटरी लगाने के टाइम, और सबसे लास्ट में नेगेटिव वायर लगाएं जिसमें आप करंट नहीं होता। ठीक है, और ये जब आप लगाओगे उसके बाद ही करंट आएगा। अगर ये पहले लगा दिया, ठीक है, अगर आपने ये पहले लगा दिया और ये लगा रहे हो, और अगर ये जब भी आप नेट टाइट कर रहे हो और ये पाना इधर उधर टच हो गया मतलब स्पिनर, तो स्पार्किंग होगी या मतलब वो दिक्कत जाती है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया है, अपन ने बैटरी लगा दी है और इसके बाद अपन गाड़ी चालू करके दे दी है। तो ये देख सकते हो आप, हम फौरन चेक करेंगे पहले तो। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, एक बार में स्टार्ट होगी। ठीक है, और मैं आपको अभी इसमें करंट चेक करके दिखाता हूँ कितना आ रहा है कितना। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हाँ तो गाइज आप देख सकते हो, ये मैंने मल्टीमीटर के वायर इसमें कनेक्ट कर दिए, मतलब इसमें वो लॉक हो गए अच्छे से, नेटवर्क के बीच में गेप था तो मैंने दोनों लगा दिए। तो अभी आप देख लो करंट कितना दिखा रहा है मल्टीमीटर में, 13.28। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, अभी कम हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो गाड़ी का लाइट भी जल रहा है, ब्रेक लाइट, और अभी स्विच ऑन है। तो उसके बाद अपन ये इग्निशन ऑन करते हैं। तो जैसे इग्निशन ऑन करा थोड़ा पावर लगा गाड़ी का बैटरी का, तो इसलिए और कम हो गया क्योंकि इधर मीटर में लाइट है। और अब अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद करंट चेक करते हैं, करंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आप देख सकते हो ये करंट बढ़ रहा है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है आपकी गाड़ी में बैटरी नहीं लगाने के बाद, या बैटरी ख़राब है तब भी ऐसा करंट बढ़ रहा है, तो मतलब आपकी गाड़ी में चार्जिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गाड़ी में सब हर चीज़ सही है, कॉइल भी और आपका रेगुलेटर भी जिससे बैटरी चार्ज होती है, और जो कॉइल होती है मेन कॉइल जिससे गाड़ी में पूरा करंट चलता है, तो आप देख सकते हो 14.50 करंट आ रहा है मतलब बैटरी लगाने के बाद। तो मतलब आपकी गाड़ी बैक भी अच्छे से चार्ज कर रही है। अब मैं इसको गाड़ी को बंद करता हूँ। अब मैंने गाड़ी एसी बंद करी, उसके बाद करंट कम होने लगा क्योंकि अब बैटरी चार्ज होना बंद हो गई है। ठीक है गाइस, तो बस यही था इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब मैं निकाल देता हूँ पूरा इसमें सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने निकाल देता हूँ सब आया। ठीक है, ये खत्म, बस इतना ही था इस वीडियो में। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बैटरी चेंज करना और क्या क्या दिक्कत आती है अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है गाड़ी में बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो गाइस इसमें दो चीज़ें होती है, दो नहीं तीन चीज़ें होती है। एक होता है इधर साइड में कॉइल होती है यहाँ पे, जिससे करंट आता है इधर, और एक इसका चार्जर होता है जिसे रेगुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे बैटरी चार्ज नहीं होती है। ठीक है, अगर वो ख़राब होते हैं तो उससे बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी बाइक की। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है वायरिंग। अगर बाई चांस ये जो बैटरी के वायर है ये कहीं से ख़राब है, या मतलब इधर उधर से कहीं से कटे हैं वो, तो उस वजह से आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर आपकी गाड़ी में किट नहीं है तो आपको बैटरी सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें बैटरी ख़राब होगी तो आपकी बाइक या जो भी चीज़ें गाड़ी वाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, और दो तीन दिक्कत इससे और आती है, अगर आपकी गाड़ी में बैटरी ख़राब हो और उसके बाद भी आप अगर गाड़ी को बार बार चला रहे हो तो उससे कॉइल ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। वो बहुत सी बाइकों में ऐसा होता है ना जिसमें किक रहती है, बैटरी ख़राब हो जाती है, तो उससे वायरिंग पे भी लोड पड़ता है और जो कॉइल और रेगुलेटर होते हैं उस पर भी लोड पड़ता है। तो जब भी आपकी बाइक की बैटरी ख़राब हो तो आप समय पे बैटरी चेंज करा लें। इसमें टाइम भी चेंज होती है, क्योंकि अगर इसकी बैटरी ख़राब हो गई बाइकों की, मतलब बाइकों की या जो भी है और भी बाइक आती है अदर, जैसे R15 KTM, तो इनमें तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है क्योंकि इसमें किक होती नहीं है। तो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।
और अगर आपको कुछ और ज़्यादा बात करनी है, कोई और भी दिक्कत है, तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेरा, उस पर आप जाके बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये देख लो फिर से, ये वही किल स्विच ऑन किया मैंने, ये खड़ी बात एक सेल में स्टार्ट हो गई।